हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द रैपिड रिव्यू माइक्रोबायोलॉजी सीरीज फ्रॉम फर्स्ट एड। आज जनरल बैक्टीरियोलॉजी का जो टॉपिक है दैट इज इन वीवो बायोफिल्म प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। अच्छा, ये वो बैक्टीरिया होते हैं, अगर मैं इनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको समझाऊं, सो दीज आर द बैक्टीरिया जो यूजुअली सर्फेसिस पर ग्रो करते हैं एंड दे मेक अ फिल्म अ कवरिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पेशेंट को कैथेटर लगा हुआ है, सो इस कैथेटर पर एक फिल्म बना देंगे, अ कोटिंग दैट दे विल फॉर्म। सो दे बेसिकली नीड अ सर्फेस टू ग्रो, और यू कैन से दे इजिली ग्रो ऑन सर्फेसिस मेकिंग अ बायोफिल्म। तीन चार नाम है जो आपको याद रखने हैं और उनकी एसोसिएशंस याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, स्टैफिलोकोकस एपिडर्माइडस इज वेरी वेल नोन टू यू नो इनफेक्ट एंड फॉर्म द बायोफिल्म इन द पेशेंट्स हु हैव कैथेटर एंड इन द पेशेंट्स हु हैव प्रोस्थेटिक डिवाइसेस इन द बॉडी। प्रोस्थेटिक डिवाइसेस बॉडी में कहीं भी हो सकते हैं, दे कैन बी फॉर एग्जाम्पल इन द हार्ट वॉल्स प्रोस्थेटिक डिवाइस, दे कैन अ कैथेटराइज्ड पेशेंट कैन बी अ पेशेंट विद से फॉर एग्जाम्पल रीनल फेलियर और समथिंग। सो एनी कैथेटराइज्ड पेशेंट और एनी पेशेंट विद प्रोस्थेटिक डिवाइसेस, थिंक अबाउट स्टैफिलोकोकस एपिडर्माइडस इन्फेक्शन बिकॉज इट मेक्स अ फिल्म ओवर द डिवाइस। नेक्स्ट जो आपने याद रखना है वो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियन ग्रुप, और जिसमें स्ट्रेप म्यूरेंस और स्ट्रेप सैंग्विनिस मौजूद हैं, दे आर कॉमन कॉलोनाइजर्स ऑफ डेंटल प्लेक्स, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस से रिलेशंस है विरिडियन ग्रुप स्ट्रेप्टोकोका। ओके, देन सुडोमोनास एरिजिनोसा, सुडोमोनास एरिजिनोसा यूजुअली कॉलोनाइजेस रेस्पिरेटरी ट्री इन पेशेंट्स विद सिस्टिक फाइब्रोसिस पर्टिकुलरली एंड द पेशेंट्स हु आर ऑन वेंटिलेटर्स। अगेन, कोई ना कोई सरफेस मौजूद है जिस पर यह बैक्टीरिया ग्रो करेगा, बायोफिल्म बनाएगा। कॉन्टैक्ट लेंस, ऑलवेज थिंक अबाउट सुडोमोनास एरिजिनोसा, वो बंदे जो कॉन्टैक्ट लेंस यूज करते हैं एंड दे प्रेजेंट टू योर क्लिनिक विद केराटाइटिस या कॉर्नियल इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन, ऑलवेज थिंक अबाउट सुडोमोनास एरिजिनोसा बिकॉज दे आर यूजिंग कॉन्टैक्ट लेंस। एक सरफेस मौजूद है, उस सरफेस पर ये ऑर्गेनिज्म बायोफिल्म बनाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं एंड दे कॉज देयर हार्मफुल इफेक्ट्स। सो सुडोमोनास एरिजिनोसा इज टू कॉन्टैक्ट लेंस एंड केराटाइटिस। ओके, नाउ नॉन टाइपेबल which means encapsulated Haemophilus influenza can cause otitis media. So remember, all these four categories, they are all capable of making a film, a biofilm. A biofilm is a coating of the biological material, which is made up of bacteria, obviously, over a surface. So whenever there is a surface, for example, a catheter, as we discussed, iske upar jo bacterial growth hogi, bacterial film banegi, that is called a biofilm. Staph epidermidis, strept Viridians group, Pseudomonas aeruginosa and non-typeable Haemophilus influenza, all are the organisms under the category biofilm producing bacteria. Okay? अच्छा, हम ये जितनी सारी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया की, अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि अगर बैक्टीरिया किसी एक टाइप ऑफ ग्रुप में है तो वो दूसरे में नहीं हो सकता। इसकी एक एग्जांपल देता हूं, सुडोमोनास एरिजिनोसा फॉर एग्जांपल, ये हमने डिस्कस किया था पिगमेंट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया में भी, सुडोमोनास एरिजिनोसा ब्लू ग्रीन पिगमेंट। सो ये इस ग्रुप में भी है ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द पिगमेंट, और ये इस ग्रुप में भी है ऑब्वियसली बिकॉज इट कैन मेक अ बायोफिल्म। सो बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट वैरायटीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, बायोफिल्म because it produces biofilm, blue green pigment because it is a pigment producing bacteria. So remember all the relevant examples under all the relevant headings. So biofilm producing bacteria, unke naam, unke associated infections, this is very high yield topic, first aid ki har cheez high yield hai, isliye main line to line, word to word aapko first aid padha raha hu. Hopefully these videos are helpful to you. If you like the videos, please subscribe the channel and share the videos with your colleagues. Thank you very much. आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।